कि कितने सारे वायलेशंस एनटीपीसी ने किए, वहाँ पे ड्राई वाटर सोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ पे मग डंपिंग बहुत ज्यादा करी गई है, वहाँ पे ब्लास्टिंग बिल्कुल बुरी तरह से ब्लास्टिंग, अनकंट्रोल्ड ब्लास्टिंग हुई है सब जगहों पे क्रैक है. हाउ आर यू नॉट रिवोकिंग दैट एनवायरमेंटल क्लियरेंस? आर यू नॉट रिवॉर्डिंग डिसऑनेस्टी? आर यू नॉट रिवॉर्डिंग दिस इज रॉन्ग जजमेंट? इट्स अ सिंपल केस, इट्स लॉजिकल. But if it's violations, then how can you go on with the project? 600 करोड़ और 600 करोड़. जयराम भाई ये बताइए वो violations हैं कि नहीं है, इसका जवाब बता दीजिए, फिर उसके बाद हम तय करेंगे कि आपने क्या करना चाहिए था. उन्होंने वो जो अलग अलग संगठनों ने और इन्होंने भी मल्लिका ने भी जो आपको एविडेंस दिया है वायलेशन का, वो सही है गलत है, वायलेशन हुई है कि नहीं? आरटीआई करो ना, ऐसे सरकार के घर से इसी वजह से आरटीआई का ज्यादा इस्तेमाल होता है कि किसी भी बात का सीधे जवाब नहीं दे पाते सरकार में लोग, उनकी मजबूरी है. तो कल सब लोग एक एक आरटीआई है मधुजी, आरटीआई है वही है. जस्टिफाई तो नहीं कर सकते हम उससे पल्ला झाड़ लेंगे क्योंकि ये मजबूरी है, हम बस ये बात खत्म कर देंगे क्योंकि मजबूरी है, ये तो आंसर नहीं हुआ किसी भी चीज का. दिस इज नॉट द आंसर. ऑल आई एम सेइंग इज ही टोल्ड यू, एक्चुअली प्रोफेसर अग्रवाल ने भी कहा कि जो मैक्सिमम वो कह सकते थे उनके शब्दों में ये था कि मेरे दृष्टि से नहीं बनना चाहिए. इसका साफ मतलब है कि वो जानते हैं कि एनवायरमेंट की दृष्टि से ये विनाश है, नहीं तो वो ये नहीं कहते. उनका कोई निजी तो ऑपोजिशन नहीं है ना, एनवायरनमेंट मिनिस्टर होने के तहत निजी किसी का नहीं है. ये तो सिंपल थिंग इज दैट व्हेन ही प्रेजेंटेड द केस एंड एज ही प्रेजेंटेड द केस देन ही लॉजिकली पुट फोर्थ दैट एनटीपीसी हैज डन अ लॉट ऑफ वायलेशंस एंड देयरफॉर वी कैन नॉट गिव देम अ फर्दर एनवायरनमेंट क्लियरेंस. बट ही आल्सो टोल्ड यू ही इज नो करोल अपना नाम बट ही ओवर रूल कर दिया. आप अभी ओवर रूल कर रहे वेरी लॉजिकल क्वेश्चन. मुझे आपने कहा कि द कंट्री नीड्स इलेक्ट्रिसिटी और विकास और ये पावर की बात है. आर यू ट्राइंग टू अंडरमाइन द नीड फॉर गंगा इन दिस कंट्री? आर यू ट्राइंग टू डू दैट? गंगा कीजिए. अरे तो आप मुझे बताइए लोहारी नाम से आप इको सेंसिटिव जोन मानते हैं. I can have an argument with people who have open minds. Yeah. I can't have an argument with people, you know, who are going to distort what I am going to say and bring extraneous factors. When did I say Ganga is not important? What? When did I say Ganga is not a national river? Did I say Ganga is not related to faith? All I am trying to tell you is that live in India. Don't live in some romantic world. Live in India which is 1.4 billion people. Live in India which is adding 10 million people every year. And live in India where governments have to fulfill the energy needs of people. Sir, not live in dark ages. I really beg to differ, sir. Aapko hamara open minded nahi lag raha, but aap mujhe bataiye that your actions are not equivalent to what you're saying. That's your view. It's not my view, it's obvious. Aap usko equate kar rahe hain hydro project se. You just say that you made the point. I think Mallika, you made the point. There's no point grabbing what's amply clear. Let's not state the obvious. But Jairam ji, unke taraf se nahi, hum sab ki taraf se ek kahungi. So I suggest sentence. You submit a memorandum to the government saying that these are the violations of the environmental conditions by NTPC, which should have been considered by the GOM, which have been ignored.